हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। तो आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी अपने घर के काम से, तो जो मास्क थे मेरे पास जो आए थे, तो अब लगभग वो बेकार से हो गए हैं क्योंकि हम बार बार उसे वॉश करके यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम घर में ही मास्क बना लें, और ये बहुत ही आसान है बनाना इसको। तो आप चाहे तो इसमें लाइट कलर का कपड़ा, ज़्यादातर अगर आपके पास लाइट कलर का है तो आप वही यूज़ करें। मेरे पास जो कपड़े थे मैंने वही यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने एक मास्क बना कर रखा, आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो अच्छे मास्क मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो क्यों ना हम अपने घर के कपड़ों से, बचे हुए कपड़ों से बहुत ही ईजी तरीके से घर में ही मास्क बना के हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको वॉश कर सकते हैं। क्योंकि अब ये कंपलसरी भी हो गया है, जो कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में ये, और मेरे हिसाब से ये अभी बहुत दिनों तक चलने वाला है, तो हमें मास्क के आगे ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इस तरीके से आप बनाकर रख लें, आप बड़े बच्चे बूढ़े सब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बनाकर रख रखा है, और यहाँ पे मैंने दूसरा पीस लिया है जिसकी मैंने चौड़ाई ली है 8 इंच के करीब, और इसकी जो लंबाई ली है मैंने यहाँ पर वो 7 इंच की है। तो इस तरीके से मैंने ये चौकोर टुकड़ा काट के रख लिया है, और यहाँ पे मैंने 2 इंच चौड़ी ये पट्टी ले ली है करीबन 5 से 5.5 इंच की। और यहाँ पे मैंने डबल कपड़ा लिया है क्योंकि हम डबल फोल्ड का बनाएंगे, तो आप इस मास्क को दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को तैयार करके रख लिया, और इसको हमें बनाने के लिए बस हमें इलास्टिक चाहिए और ये कपड़े चाहिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। तो यहाँ पे मैंने ये 2 टुकड़े लिए हैं, तो 3 साइड से ये खुला हुआ है, ये साइड जो है ज्वाइंट है, मैंने इसको अलग नहीं किया है। अगर ये अलग भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इसको ज्वाइंट ही करना है, तो इसको मैं अलग नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसकी इस साइड पे भी जोड़ लगाने हैं, सिलाई करनी है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 इंच है, तो इस साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो इधर से मैंने 7 इंच की चौड़ाई ली है, इसके मैंने दोनों किनारे कट कर दिए। मैंने अभी एक किनारा मेरा ज्वाइंट था, मैंने मना किया था उसको नहीं काटना, लेकिन इसको कट करना है क्योंकि हमें इसको सीधा करना पड़ेगा। तो जिधर से हमने 8 इंच कपड़ा लिया, इधर हमें सिलाई लगानी है। तो 8 इंच की तरफ से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब आप देख सकते हैं जो हमने 7 इंच की तरफ से खुला रखा है, तो यहाँ पे हमने प्लेट डालनी है। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1.5 इंच का कपड़ा लिया है दोनों साइड से, और इधर का हम कपड़ा छोड़ देंगे जो हमने ये निशान लगाया है दोनों तरफ से, इधर का हम कपड़ा छोड़ के इस इतने कपड़े में हमें 3 प्लेटें डालनी है। इस तरीके से आपको जिधर कम्फर्टेबल लगे आप उधर को मूव कर सकते हैं। इसका इस तरीके से हम पकड़ के ऐसे प्लेट बिठाएंगे। आप चाहे तो इस पर प्रेस मार सकते हैं ताकि ये जो है बिल्कुल सीधा हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि दोनों किनारे खुले हुए हैं, और इस पर हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये जो सिलाई है अच्छे से बैठ जाए। देखिए मैंने ये दोनों किनारे जो हमने ये निशान लगाए थे इस कपड़े को मैंने सीधा कर लिया है, और ये जो मैंने निशान लगाए थे यहीं से हमने ये प्लेट डाल ली है। तो एक प्लेट हमने यहाँ से डाली है, एक प्लेट बीच से डाली है, और एक प्लेट यहाँ से डाल के हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया ताकि ये जो प्लेट है अच्छे से बैठ जाए। अब इसको हम एक बार फिर से दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम प्लेट पे हाथ रख लेंगे, वैसे तो हमने प्रेस भी कर लिया है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अब हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों तरफ से इसको स्टिच कर लिया है, अभी हमारी प्लेट बहुत अच्छे से बैठ गई है। अब यहाँ पे हमने जो ये वाली पट्टी ली थी इसको लगाएंगे। तो इसको हमें क्या करना है, एक पट्टी हम लेंगे और इस तरीके से रख के एक साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे।
इस तरीके से मास्क बनाने से क्या होता है कि हम दोनों साइड से पहन सकते हैं। इसमें जो बाकी फालतू कपड़ा बचेगा वो हम कटिंग कर देंगे अगर थोड़ी सी ये बड़ी लग रही है तो इस तरीके से हम इस किनारे पे भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हमें पट्टियाँ जोड़नी है। तो दोनों तरफ हमने पट्टियों को लगा लिया है। अब ये जो कपड़ा है थोड़ा सा हमें ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हमें इसे अंदर फोल्ड करना है, तो इस तरीके से हम इसको कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हमें इस कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरीके से हल्का सा कपड़ा अंदर हम फोल्ड कर लेंगे। अगर ये भी अब इस कपड़े को हमने जो लगाया था इसको हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और इस तरीके से हम अंदर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और ये जो मार्जिन बचा है, ये जो बाहर निकला है, इस कपड़े को भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और ऐसे मोड़ना है हमें। उसके बाद इसको इस तरीके से डबल कर देना। तो इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी जो कपड़ा निकला है इसको भी हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे ऐसे और फिर से इसको हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसको पलट के इस सिलाई पे इस तरीके से रख देंगे। तो ये जो सिलाई हमने लगाई है वो अंदर की तरफ छुप जाएगी। उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। एक साइड हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। एक बार मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। ये जो कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे और जो इधर का कपड़ा है उसको भी हमें अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करना है इस तरीके से। उसके बाद में इस सिलाई पे हमें इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब हमारा मास्क बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम बारी आती है गेटिस डालने की। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच की गेटिस ली है, आधे इंच की। आप ये वाली भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास गोल वाली तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया है, यहीं से हम इसको डबल कर लेंगे इस तरीके। तो मैंने यहाँ पे डबल करके काट लिया। अब इससे हम इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने छोटी सी बिल्कुल पिन ली है, आप चाहें तो सुई से भी डाल सकते हैं इस तरीके से। हमने छोटी सी पिन ली हुई है, इसमें हम डाल देंगे। बहुत आसानी से गेटिस चली आती है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे। ये मास्क बहुत जरूरी है, चाहे छोटे बच्चे हों, सबसे ज्यादा तो छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए बहुत ही जरूरी है, बाकी तो सबके लिए है। तो यहाँ पे मेरी गेटिस डल गई है। इस तरीके से हम इसको खींच लेंगे। उसके बाद हमें पिन हटा देना है। थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से करके हम इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो सुई से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको मशीन से स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ से गेटिस डाल ली है। अब क्या करना है, हमें जो जोड़ दिख रहे हैं इसको हमें अंदर करना है ताकि इसके अंदर चला जाए। इस तरीके से हमें गेटिस खींचनी है और इस तरीके से, तो ये अंदर छिप जाएगा, फिर ये दिखेगा नहीं। देखिए दूसरी साइड से भी हम अंदर कर देंगे सिलाई को। तो यहाँ पे मेरे दोनों मास्क बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से आप खूब सारे मास्क बनाकर रख सकते हैं और सब लोग यूज करिए। बहुत जरूरी है क्योंकि मास्क चाहे आप बाहर से लाएं चाहे आप घर में बनाकर रखें, घर में बनाएंगे तो बहुत ही सस्ते में और अच्छा मास्क बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बनाइए और यूज कीजिए क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे पहले होती है। ये देखिए, आज फ्री थी तो मैंने कहा लो यही काम कर लेते हैं पहले। तो ये वीडियो भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।